वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन. गुड आफ्टरनून एंड मैरी क्रिसमस. विल वेट फॉर सम स्टूडेंट्स टू ज्वाइन. Good afternoon to everyone. Merry Christmas. Christmas is just 2-3 days after, and everyone is preparing for the celebration. And after Christmas, we will be having a New Year session also. So, in this lovely afternoon, I'm going to share some cupcake ideas, cupcake decoration. ठीक है, जो क्रिसमस थीम का उसके अंदर होगा, मतलब हम क्रिसमस थीम की कपकेक के ऊपर कैसे डेकोरेशन करनी है वो सीखेंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे. दोज हु आर न्यू एंड यू नो बिगनर आल्सो, दे कैन आल्सो डू दिस, दे कैन अडॉप्ट दिस आइडिया, एंड वो भी ये चीजें ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम करी हुई है. ठीक है, यहाँ पे मेरी व्हिप क्रीम तैयार है. तो ये सारा मेरा चीजा प्लान, मतलब मेरा प्रिपरेशन जो है, प्लानिंग, वो सारी तैयार है. Everything is ready, so we will just start the demonstration. मेरे पास यहाँ पे 20 cupcakes है. ठीक है, you can see these all are vanilla cupcakes. Vanilla cupcakes है जिसके ऊपर मैं decoration करने वाली हूँ, और इसका weight, एक cupcake का weight है around 35 gram. 35 gram का एक छोटा cupcake है जिसके मैं ऊपर मैं icing करने वाली हूँ. ठीक है, तो ये आप homemade recipe से भी बना सकते हो, premix से भी बना सकते हो. और मैंने यहाँ पे बना के इसको, मतलब मॉर्निंग में मैंने बेक किया था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, और अभी इट्स नाउ गोइंग टू बी 12 बजने वाले हैं. तो ऑलमोस्ट ये ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसके ऊपर आइसिंग करूंगी. ठीक है, नाउ यू नो कपकेक्स आर द टाइनी यू नो ट्रीट्स, एक छोटी सी ट्रीट्स होती है जिसके ऊपर बहुत तरह की आप गार्निशिंग कर सकते हो. ठीक है, तो यू कैन सी ये कपकेक प्लेन है. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको स्टफ भी कर सकते हो, मतलब इसको फिल कर सकते हो विद सम काइंड ऑफ फ्लेवरिंग्स, लाइक आप इसके अंदर ब्लूबेरी डाल सकते हो, फिर कुछ स्प्रिंकलर्स डाल सकते हो. ठीक है, अगर आप कोई स्कूल में या कोई बच्चों के सेलिब्रेशन में दे रहे हो तो आप उसके अंदर स्प्रिंकलर फिल कर सकते हो, चॉकलेट मतलब गनाश फिल कर सकते हो, कैरमल फिल कर सकते हो, कुछ चॉकलेट की बाइटिंग, चॉकलेट टिप वगैरह आप फिल कर सकते हो. ठीक है, तो अगर स्टफ करना चाहते हो तो स्टफ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे जो ऑर्डर में है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, इसमें प्लेन है, तो मैं इसलिए प्लेन कर रही हूँ. तो मेरे सारे कपकेक्स रेडी है, और इसके साथ में मैं क्रिसमस डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ नोजल्स लिए हुए हैं. यहाँ पे मेरे पास एक लीफी नोजल है, लीफ नोजल. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास छोटा स्टार नोजल है, वो मैं यूज कर रही हूँ. थर्ड है मेरे पास R11 नंबर नोजल. ठीक है, वो यूज कर रही हूँ, और मैं एक N1 नंबर नोजल यूज कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कौन कौन से नोजल यूज कर रही हूँ. ठीक है, वो मैं आपको एक के बाद एक दिखा के करूंगी. ठीक है,
तो अब हम शुरू करते हैं। मेरे नोजल्स पाइपिंग बैग रेडी है और जब हम अब हमें पैकिंग करनी है, तो ये पैकिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है कपकेक का बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड का विजिटिंग कार्ड लगाया हुआ है, ठीक है, आप भी इस तरह से बना सकते हो। तो ये कपकेक का पैकिंग बॉक्स तैयार है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप चाहो तो क्रिसमस का डेकोरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक कंपार्टमेंट होता है अलग सा इस तरह से, जिसके अंदर कपकेक हमें अच्छे से अरेंज करना है, जिससे वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मतलब टच होके क्रीम का मतलब स्पॉइल नहीं होगी और अच्छे से आप इसको डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये शुरू करते हैं कपकेक प्रिपरेशन। तो कपकेक के लिए मैंने यहाँ पे मफिन लिया है। अब मैं शुरू करूंगी इसकी आइसिंग करना। तो सबसे पहले मुझे बनानी है क्रीम। मुझे यहाँ पे डेकोरेशन में चाहिए रेड क्रीम, ग्रीन क्रीम और व्हाइट। व्हाइट तो ऑलरेडी है, ठीक है, वेनिला फ्लेवर की। रेड और ग्रीन क्रीम बनानी है और उसके बाद उसके ऊपर मुझे थोड़े से डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे हियर आई एम टेकिंग जेल कलर्स, सुपर रेड जेल कलर, देन लीफी ग्रीन कलर। दीज बोथ आर फ्रॉम मैजिक कंपनी। और यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंकलर्स है, ठीक है। ये स्प्रिंकलर्स स्पेशली क्रिसमस डेकोरेशन के लिए हैं। तो आप ये देख सकते हो इसमें सारे हैं, स्टार्स है, बॉल्स है, फिर ऐसे पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन है, ठीक है। स्टार्स, बॉल्स, हार्ट्स, इस तरह से मिक्स है। तो आप ये ले सकते हो। और साथ में मेरे पास कुछ मेरे होममेड स्प्रिंकलर्स भी हैं, विच आई वॉन्ट टू शो टू यू। दीज आर होममेड स्प्रिंकलर्स, ठीक है, जो हमने घर पे यहीं पे बनाए हुए हैं क्लास में ही। तो आप हम इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तैयार है, तो अब हम क्रीम बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे पहले मैं रेड क्रीम बना लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो सबसे पहले रेड क्रीम बना, जो भी कलर्स की क्रीम चाहिए हम क्रीम कर लेंगे, बिकॉज जो क्रिसमस डेकोरेशन है इट इज ऑल अबाउट रेड, रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर, ठीक है। दो कलर कॉम्बिनेशन है, वो कलर कॉम्बिनेशन हम इसमें लेंगे, ठीक है। टूथपिक की मदद से मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि मुझे शेड थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कितना शेड चाहिए, तो इसलिए मैं ड्रॉप नहीं डालती, मैं टूथपिक का यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ से क्रीम बना के पहले, सबसे पहले क्रीम सॉफ्ट रख लेते हैं। क्रीम बनाने के बाद फिर हम इसका डेकोरेशन करेंगे। आप अगर वेदर थोड़ा हॉट है तो अगर आप क्रीम बना के उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दो पैकिंग को सेट होने के लिए, थोड़ा सा कूल हो जाएगी, उसके बाद ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे डार्क रेड कलर चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और एड कर रही हूँ। तैयार है। अब मेरे पास
मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ डेकोरेशन में, ठीक है, अलग अलग तरह का डेकोरेशन, जिसमें एक में हम क्रिसमस ट्री बनाने वाले हैं, एक में हम सांता की हैट बनाने वाले हैं, और एक में एक नॉर्मल सा हम स्पाइरल वाला डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हैट बना लेते हैं, सांता की हैट है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने रेड क्रीम बना ली है, रेड में ज्यादा ब्राइट नहीं रख रही हूँ क्योंकि बच्चों का है तो कलर इज नॉट आइडियल फॉर यू हेल्थ, तो मैं ज्यादा कलर नहीं यूज कर रही हूँ। फिर भी ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे रेड क्रीम तैयार होगी। इसके साथ में मुझे व्हाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पाइपिंग बना के रख रही हूँ व्हाइट। अब ये जो भी कपकेक्स है इन सबको पहले हमें प्लेन करना है, ठीक है, मतलब उसका बैकग्राउंड चाहिए हमें, मतलब कपकेक के ऊपर हम पहले व्हाइट क्रीम अप्लाई कर लेंगे, क्रीम अप्लाई करने के बाद हम उसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी व्हाइट क्रीम की भी पाइपिंग रेडी है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी क्रीम लेके हर कपकेक के ऊपर बेस बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो जो हम डिजाइनिंग करने वाले हैं इस तरह से हमें पूरा एक बेस बना देना है स्पून की मदद से। तो जो भी हम इसके ऊपर आइसिंग करने वाले हैं दैट विल हैव अ गुड बैकग्राउंड, जिससे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको स्पून की मदद से करना है ये काम, ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से क्रीम, बहुत ही थिन लेयर बनानी है क्रीम का, थिन लेयर से हमने क्रीम को अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से राउंड घुमाओगे आप तो इस तरह से आपका बेस बन जाएगा। जिस पे हमने स्पाइरल बनाना है उसको मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं जिसमें ट्री बनाना है और जिसमें मुझे हैट बनाना है उन्हीं पे मैं व्हाइट का बैकग्राउंड बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से सारा बना दिया। ठीक है, ये बन गया। अब जहां पे हमें हैट बनानी है
तो हेड के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा नोजल लिया है, छोटा स्टार नोजल लिया है, और एक मैंने एक L1 नंबर नोजल लिया है, इस तरह से दो। ठीक है, अब मैं एक के बाद आपके लिए कर लूंगी। सबसे पहले जो हमने बैकग्राउंड बनाया हुआ है उसके ऊपर स्टार करके देन आपने हेड की तरह ऊपर जाना है। ठीक है, करने के बाद अब मुझे साइड में डॉट्स चाहिए। So that it would look like a hat. इस तरह से, और ऊपर मुझे एक डॉट चाहिए व्हाइट। ठीक है, इस तरह से हमने ये हैट बना ली। अब ये सारे जैसे हमारे बने हुए हैं सारे सेम तरीके से बना लेती हूँ मैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम स्टार करना है देन गो राउंड 1, 2 and 3, देन सराउंडिंग में स्टार्स बना लो। प्रेस एंड लीव। ठीक है, इस तरह से हैट तैयार हुई। इसको मैं अरेंज करती जाती हूँ। सेम तरीके से साइड में सारा कवर अप कर दो। और यहां पे ठीक है, प्रेस गो सराउंडिंग देन 1, 2 and 3 this way. ठीक है, इस तरह से हमारे हेड्स सैंटा की हेड्स तैयार हो गई। अब हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो क्रिसमस ट्री के लिए हमें ग्रीन कलर बनाना है। ग्रीन कलर बना के जो हमने बैकग्राउंड्स बनाए हुए हैं कपकेक के ऊपर, उसके ऊपर हमने R11 नंबर नोजल लेके फिर हमने इस पे पाइपिंग करनी है। तो ग्रीन कलर के लिए मैं यहाँ पे मैंने R11 नंबर नोजल लिया है। ठीक है, इसका यूज कर रही है। अब सबसे पहले ग्रीन कलर बना लेंगे। यहाँ पे हम क्रिसमस ट्री बना रहे हैं केक कपकेक के ऊपर। इस तरह से मैंने ग्रीन कलर क्रीम बना ली। अब मैं इसको
ओके नाउ ये जो R11 नंबर नोजल है इसमें दो साइड होती है, एक नैरो साइड होती है एक वाइड होती है। तो नैरो साइड ऊपर की साइड रखना है इस तरह से और हमें ऐसे पाइपिंग करना है, ठीक है। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड देन हमें इसको वाइड करते जाना है एज अ ट्री, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो कपकेक बना हुआ है उससे शुरू करते हैं। तो पहले मैं छोटा करती हूँ इसको, ठीक है। इस तरह से मैंने ट्री बना लिया, फिर से शुरू करती हूँ। इस तरह से, ठीक है। अब एक सारे सेम तरीके से बना लूंगी मैं। अब जो मैंने डेकोरेशन करी है, जो इसके ऊपर मैं ट्री के ऊपर स्प्रिंकलर्स डाल दूंगी, मेरे पास यहाँ पे कुछ कलर बॉल्स भी हैं, वो भी यूज कर लेंगे, उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, अब ये जो मेरे पास जो बाकी के कपकेक्स हैं, उसको मैं सिर्फ शेडिंग कर रही हूँ, इसको मैं सिर्फ शेडिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में ही तीन शेड्स डालूंगी। एक और काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से ट्री बनाना चाहते हो तो यू हैव वन ऑप्शन। इस तरह से आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। और जो मैंने पाइपिंग बैग बनाई हुई है ग्रीन कलर की, बनाएंगे फिर से एक बार। स्ट्रॉबेरीज को हम टूथपिक में लगा लेंगे पहले। तो हमने तीन, अभी दो तरह के कपकेक्स बनाए हैं, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला शुरू कर रही हूं। टूथपिक मैं इसीलिए ले रही हूं, मैं टूथपिक इंसर्ट नहीं करने वाली हूं कपकेक में, मैं टूथपिक सिर्फ सपोर्ट के लिए ले रही हूं। स्ट्रॉबेरी में टूथपिक इंसर्ट करके यू मेक अ स्टैंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे ऊपर से,
यहाँ पे मेरे पास लीफी नोजल है, इससे शुरू कर रही हूँ मैं। नीचे की साइड करना है हमें, तो ये ट्री की शेप में एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का ट्री बन जाएगा, जैसे क्रिसमस ट्री होता है। नीचे जाते जाते आपने इसको थोड़ा सा वाइड करना है, जिससे क्रिसमस ट्री की जैसे शेप आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से क्रिसमस ट्री तैयार कर लिया। अब जो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी। अब मेरे पास जो व्हाइट कलर की पाइपिंग बैग है उससे मैं साइड में फिल कर दूंगी, जिससे कवर अप हो जाएगा। इस तरह से एक क्रिसमस ट्री तैयार हो जाएगा। इट इज जस्ट एन आइडिया, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू। फिर से शुरू करते हैं। दिस वन विल स्टार्ट फ्रॉम अप। गो राउंड। मेक अ पिन। इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें लगा दो। यू कैन फिल विद द स्टार्स। बाकी के बचे हैं उसको मुझे सिर्फ शेड करना है, तो मैं इसमें सिर्फ रेड एंड व्हाइट शेड कर रही हूँ, ज्यादा कुछ इसमें मुझे नहीं करना है। एक साइड में व्हाइट डाल रही हूँ और एक साइड मैंने रेड डाला है। वी हैव टू ट्राई कि जब तक इसमें शेड आना नहीं शुरू हो जाएगा। अब बीच में से लेके इसको इस तरह से कंप्लीट करना है।
यू कैन सी फ्रॉम हियर. ओके मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दो सारे कपकेक्स को. इस तरह से रेड एंड व्हाइट में करा है. See, whatever question you are sending to me, okay. So whatever question you are sending to me, that will be resolved once you know ये session over होगा. तो आपके जो भी questions हैं, उसके answers मैं आपको page पे send कर दूँगी या आप मुझे WhatsApp करोगे, तो उसमें मैं send कर दूँगी answers. ठीक है, तो थोड़े से कप की बाकी है, मैं इसको complete करती हूँ. ठीक है, अब मेरे सारे कपकेक्स तैयार हैं, मैं इसको अरेंज कर देती हूँ. और अच्छे से रखने हैं ताकि उसमें कोई बीच में यहीं पे रख दूँ अरेंज. अब जो रेड वाले हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो हमारे पास स्प्रिंकलर है वो यूज कर लूंगी ताकि वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए. स्प्रिंकलर बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ जो बच्चों का कोई भी ऑर्डर होता है छोटे बच्चों का. ठीक है, तो अब मेरे पास ये सारे कपकेक्स तैयार हैं. ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर हम इसको पैकिंग करते हैं. तो इस तरह से सारे कपकेक्स तैयार हैं, अब हम इसको पैकिंग करते हैं. तो मेरे पास जो यहाँ पे बॉक्स है इसमें
मेरे पास कुछ जो है ग्लिटर स्प्रे, उससे मैं थोड़ा सा उसमें शाइन दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे कपकेक का बॉक्स तैयार है। दिस वे दीज आर द कपकेक्स, इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये क्रिसमस थीम कपकेक रेडी है। तो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद मी, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग सम अदर आइडियाज ऑन डेकोरेशन, यू नो, डेकोरेटिंग केक्स। सो विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्ट। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग रिगार्डिंग एनी कोर्सेज, एनीथिंग, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई पेज, और यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन 9877895760। थैंक यू सो मच।